किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम होगा, किसान भाई जो हैं खेतों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है भाइयों। खेतों में जो है एकदम से ही सुंडी का प्रकोप आ गया है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप, ये पत्ते खा रहे हैं। जिन जिन खेतों में हमने स्प्रे कर दी थी उनमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन जिस खेतों में हम नहीं स्प्रे कर पाए उनमें ये पत्ते खा दिए। तो दोस्तों आज स्प्रे की शुरुआत कर दी है और ये देख लो किसान जो है कितनी शानदार तरीके से स्प्रे कर रहे हैं। अब बात कर लेंगे स्प्रे के प्रेशर की। तो भाइयों स्प्रे है डबल बुल की और इसमें डबल बैटरी आती है, मतलब 12x14 की 18 लीटर कैपेसिटी है। टंकी वैसे 20 लीटर की है इसकी। और दोस्तों ये देख लो आप कितना शानदार इसका फुहारा है, और दवाई को जो है ये इतने बारीक नोजल से निकालती है कि वो पानी बिरान नहीं होता और सारी फसल पर फुहारे की तरह लगता है। ये देख सकते हैं हवा के हिसाब से किसान स्प्रे कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। किसान भाइयों जागरूक हो जाओ थोड़े से और अपने खेतों में जो है स्प्रे तुरंत लगाओ। चाहे आप किसी भी कंपनी की दवाई लगाओ, वैसे हम जो कोरल जी और टर्मिनेटर का स्प्रे कर रहे हैं, वैसे जो आपको सही लगे आप वो दवाई कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे लगाएं ज़रूर। क्योंकि दोस्तों इस समय जो ये गन्ना पीला पीला आपको लग रहा होगा, ये सारी जो है बीटल होता है, सुंडी बनती है और टॉप बोरर की जो मक्खी आती है वो भी शुरुआत से ही अंडा देना शुरू कर देगी। अब मार्च अप्रैल का जो है लास्ट चल रहा है, मतलब बीचाड़ा आ गया, तो इसके बाद में जो है आगे आगे फसलों में खम्मी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भाई जो है गन्ना कटाई में लगे रहेंगे तो उन्हें समय नहीं मिल पाने का, 8 दिन के बाद में इतना ज़्यादा समय व्यस्त हो जाएगा कि किसान को बिल्कुल भी काम करने का मौका नहीं मिलने का। तो भाइयों आप जागरूक हो जाओ और तुरंत अपनी फसल में जो है स्प्रे लगानी शुरू कर दो। अगर आप स्प्रे कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो है गन्ना बच जाएगा, नहीं तो काफ़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक शेयर करें। और किसी भाई को ये डबल बुल की अगर स्प्रे मंगवानी है तो मैं वीडियो के स्क्रीन पे नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप इस स्प्रे मशीन का नंबर भी ले सकते हैं। नमस्कार।